आज तारीख थी 10 अप्रैल 2022 और असुरचूला पीक पे आज अपना दूसरा दिन था गाइस। कल की रात हम लोगों ने असुरचूला पीक पे कैंप लगाकर पूरी रात यहाँ स्टे किया था। कल की रात किसी जादुई पल की तरह कब गुजर गई कुछ पता ही नहीं चला। हम लोगों के पास एक टेंट था, 2 मैन टेंट, और हम टोटल लड़के थे 5। बावजूद इसके असुरचूला पीक के टॉप पे हमारी कल की रात बहुत शानदार गुजरी। आज इस जगह पे अपना दूसरा दिन था और आज ही हम लोगों ने अपने घरों को वापस लौटना था। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना गाइस, और अगर वीडियो पसंद आती है तो पर्वतवासी चैनल पे अपना सपोर्ट जरूर से दिखाना। आज की इस वीडियो में कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, कुछ इस जगह के बारे में तो कुछ असुर बाबा के बारे में। तो इस वीडियो की ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो गाइज गुड मॉर्निंग, एक नए दिन की शुरुआत एक नए तरीके से करते हैं भाई। अब आपको यहाँ पे अपना सेटअप दिखाते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे रुके हुए थे। अभी अंदर कैंप के अंदर जित्तू भैया और माउंटू चाचा सोए हुए, और यहाँ पे हम लोगों ने एक कंबल ऐसे लगाया हुआ था लकड़ी के सहारे से। तो इसके बीच में भी थोड़ा सा गैप हो गया था देखे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बंदा ऐसे आ गया था। तो टोटल मिला के हम एडजस्ट हो गए थे। एक रात हमारी शांति से यहाँ पे निकली। इस साइड अपने ईस्ट, यहाँ से हो रहा है सूर्योदय। वाह भाई वाह। कल हम लोग रात में आए थे मंदिर कहीं ऊपर है टॉप पे, तो वहाँ से हम ऐसे नीचे आए और यहाँ से हमको ये एक बढ़िया सी जगह मिली कैंपिंग करने के लिए। तो हमने अपना रात का कैंप यहीं पे डाला था गाइस, देखिए कुछ इस तरीके से। भाई अभी हम लोग अपने कैंप एरिया से कुछ दूर आए थे, हम लोग नहीं भाई सिर्फ मैं। तो यहाँ से देखा मैंने पिथौरागढ़ का नजारा, वाकई में बहुत अल्टीमेट था यार। और अगर हम आने की बात करें कि हम लोग आए कहाँ से, तो वो आपको दिखाते। देखिए यहाँ पे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे अपना कैंप वैम्प लगा हुआ है, कैंप एरिया। तो वहाँ हमने कैंप लगाया था, एकदम ओपन एरिया था, और ऊपर पे भाई मंदिर। और अगर यहाँ से एक साइड को देखें तो कुछ ऐसा सा पिथौरागढ़ दिखाई देता है भाई, वाह। और यहाँ से अभी सनराइज हो रहा है, यानी इस साइड को ईस्ट है। और मेरे ख्याल से गाइज ये वाली पहाड़ी शायद से ध्वज की है भाई। अभी ये अल्ट्रा वाइट चल रहा है, अगर इसको लीनियर करके आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ ऐसा है भाई लीनियर। देखिए तो यहाँ से ध्वज काफ़ी पास दिखाई पड़ रही है, पिथौरागढ़ शहर काफ़ी पास और काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से नीचे जो खाई है वो भी बहुत ख़तरनाक दिखाई पड़ रही है यार। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 7, और लग नहीं रहा यार किसी भी एंगल से भाई 7 बज रहे हैं। क्योंकि इधर अगर यहाँ की बात बताऊँ तो तप्पड़ पे, यानी इस जगह पे खुली हुई धूप आ रखी है, और पिथौरागढ़ में कुछ कुछ घरों में धूप आ चुकी है और कुछ जगहों पे अभी धूप आ रही है पिथौरागढ़ के अंदर। और अगर यहाँ का सीन दिखाऊँ तो ये देखिए भाई, भाई ये धूप देख के ना बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि अभी 7 बजे का टाइम हो रहा है सुबह का। भाई ये 9-10 बजे की धूप लग रही है, अभी टाइम हो रहा है 7 बजे, लेकिन भाई लग ऐसा रही है कि जैसे 9 से ज़्यादा हो गया है। व्हाट इज़ दिस प्लेस यार, वाह व्हाट इज़ दिस प्लेस। तो भाई यहाँ पे लगभग आधा घंटा बैठने के बाद अब हम लोग वापस अपने कैंप एरिया में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी कैंप वैम्प पैक करके फिर यहाँ पे मंदिर पे जाएंगे, कुछ बढ़िया सी फ़ोटोज़ लेंगे। और अभी पिथौरागढ़ वैली में देखे भाई हर जगह धूप आ चुकी है बढ़िया वाली। टाइम हो रहा होगा 7:30 या 8। तो अभी वापस जा रहे भाई कैंप एरिया में, और आज ये दिन का पहला फ्रंट फेसिंग है। भाई इस जगह से ना नज़ारे बहुत शानदार थे यार। मैं कुछ वीडियोस देख के, कुछ नेट पे पोस्ट देख के यहाँ पे आया था, तो लोगों ने बताया था कि यहाँ से पिथौरागढ़ का पूरा नज़ारा दिखाई देता है और बहुत बढ़िया दिखाई देता है, मतलब लगभग पूरा दिखाई देता है यहाँ से पिथौरागढ़। और हम यहाँ पे पहुँचे जैसे ही, पिथौरागढ़ के नज़ारे बहुत अद्भुत थे यार। रात के आप लोगों ने बढ़िया से देखे, अभी दिन के आप लोगों को दिखाने बाकी हैं गाइस। तो अपने कैंप एरिया में लौटते हैं, उसके बाद वहाँ पे से आपको कुछ सीन्स दिखाएंगे और यहाँ से पीक फाइंडर करेंगे, देखते भाई यहाँ से कौन कौन सी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। अच्छी क्लैरिटी नहीं है आजकल, अप्रैल का महीना होने के कारण धुंध लगी हुई है, तो हिमालयाज दिख पाना इम्पॉसिबल है अभी के टाइम पे। लेकिन फिर भी भाई पीक फाइंडर से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी हिमालय रेंज यहाँ से दिखाई पड़ती हैं। पहुँच गए अपने कैंप एरिया पर, फिर मिलते हैं गाइस आपसे। तो भाई अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजे, और अभी भाई आपको आसपास का सीन दिखाते हैं। ये देखिए भाई अपने योग आसन में पड़े हुए हैं यहाँ पे राजा भैया। ये भाई ये योगा मैट लेके आए थे नीचे से,
हेल्थ कॉन्शियस पूरे भाई, फिटनेस फ्रीक हो रखे हैं आजकल। अभी मुंडासन होते हैं, शीर्षासन क्या होता है? शीर्षासन मुंडासन करके दिखा रहे भाई ये। राजा भैया एक बार कर दो यार, ये देखो ये क्या है, क्रंचेस। यहाँ पे हमारा सारा कैंपिंग वाला एरिया था कल रात के लिए। अभी यहाँ पे से पैक करके हम लोग ऊपर जा रहे हैं मंदिर पे, वहाँ से आपको पीक फाइंडर खोल के दिखाते हैं, कुछ फोटोज इंक्लूड करते हैं, कुछ जानकारी देते हैं, फिर आगे मिलते हैं गाइस। तो भाई वापस से आ गए हैं उसी जगह पे, असुर बाबा जी के मंदिर पे। यहाँ पे अपना कैंप हमने विराजमान कर लिए। ये असुर बाबा जी का मंदिर है। जय असुर बाबा की जय। पिथौरागढ़ से अगर कोई ये बंदा व्लॉग देख रहा हो तो भाई इस चैनल को सपोर्ट दिखाना, और आने वाले टाइम पे आपको और ऐसी अच्छी अच्छी कैंपिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी साथ में, और कई सारी ऐसी जगहें भाई। सोर घाटी से अगर कोई वीडियो देख रहे तो भाई वीडियो को एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पे अपना सपोर्ट जरूर से दिखाना भाई, है कि नहीं। तो भाई अब आपको यहाँ से कुछ पहाड़ियाँ दिखाते हैं, बर्फ़ वाली या फिर नॉर्मल पहाड़ियाँ जिनमें बर्फ़ नहीं पड़ी हुई है, कुछ ऐसी पहाड़ियाँ जो आपको यहाँ से दिखाई देंगी साफ मौसम में। लेकिन अभी नहीं गाइज, क्योंकि अभी ये चल रहा है अप्रैल का महीना, और लोगों ने भाई जंगलों में आग लगाई हुई है। और इसका कारण क्या रहता है कि जो ये घास दिखती ना आपको भाई, ये घास की पैदावार अच्छी होती है, इसके चलते भाई लोग जंगलों में आग लगाते हैं, और आग लगा के भाई जो राख होती है उस राख से मानने कि घास की पैदावार अच्छी होती है। तो भाई अपने जानवरों के चलते लोगों ने पर्यावरण की हालत ख़राब कर रखी है, आसपास आग लगाई हुई है भाई। जब हम रात में रुके हुए थे ना, हमको जगह जगह पे आग लगी हुई दिख रही थी, और अभी भी भाई जगह जगह पे कहीं पे कूड़ा जल रहा है तो कहीं पे आग लगी हुई है, जिस कारण से भाई धुआं आसमान में जा रहे हैं और चारों तरफ फैल के। देखिए भाई यहाँ से ना अभी विजिबिलिटी बहुत बेकार हो रखी है। मैप्स में चेक किया था हमने भाई, कोई एक ऐसे ऐप है तो उस पर दिखा रहा था कि यहाँ पे पिथौरागढ़ ज़िले के अंदर विजिबिलिटी 16 किलोमीटर की थी। देखिए भाई यहाँ पे हमने पीक फाइंडर खोला हुआ है, तो पीक फाइंडर से शुरुआत करते हैं, तो एक्सपोजर बढ़ाते हैं गाइस एक बार। अब देखिए गाइस यहाँ पे दिखाई दे रही है ध्वज की पहाड़ी। देखिए यहाँ पे ध्वज दिखाई दे रही है, बोबाई, नामपा, आपी। देखिए भाई यहाँ इतनी सारी पहाड़ियाँ, पंचाचुली 2, 3, 4, 5, 1 सारी की सारी। और अगर हम थोड़ा साइड में आ जाते हैं तो यहाँ राजरंबा दिखाई दे रही है, नंदाकोट, नंदा देवी, सुनंदा देवी, और इस साइड को त्रिशूल दिखाई दे रहा है भाई, मृगथुनी, देवटोली, मैकटोली, भाई 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 इस साइड नन्नान झन्ने। तो भाई ये हमने पीक फाइंडर में यहाँ से कुछ पहाड़ियाँ देखी। तो इस साइड पे अपने ध्वज दिखाई पड़ रहा है पीछे, और यहाँ ध्वज से लेके हिमालय रेंज शुरू हो रही है जो कहीं यहाँ जाके ख़त्म हो रही है। नंदा देवी, नंदाकोट, पंचाचूली, राजरंभा, और सामने ध्वज की पहाड़ी, त्रिशूल पर्वत, मृगथुनी, देवटोली, और ऐसी बहुत सारी बर्फ़ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां आप इस जगह से देख सकते हो। हिमालय दर्शन के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है गाइस। बाकी सब चीज़ें बढ़िया है भाई, लेकिन देखिए एक बार आपको जंगल की आग दिखाते हैं। यहाँ पे जो लोगों ने आग लगा के पर्यावरण को प्रदूषित किया हुआ है भाई, वो बहुत ख़राब चीज़ है, वो दिखाते एक बार आपको। ये देखिए भाई कल जिस रोड से हम आए थे ना, हमने जो डीडी हाट वाला रूट लिया था, तो आपको सामने जो रोड दिख रही ना गाइज, उसी रोड से होके हम आए थे, और वहाँ से सामने ये मंदिर दिखाई दे रहा था भाई। पिथौरागढ़ सिटी से जितना भी कूड़ा जाता है वो यहीं कहीं जाता है, इस जगह पे, नैनीपाताल है इस जगह का नाम। तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा मात्रा में कूड़ा जलाया जा रहा है, देखिए भाई। भाई ये चीज़ तो नॉर्मल है, लेकिन जो लोगों ने जंगल में आग लगाई हुई है ना, ये घास के चलते जानवर खाएंगे और हमारे जानवर मोटे होंगे, इस चक्कर में भाई जो लोगों ने जंगल में आग लगाई हुई है, ये तो बहुत ख़राब चीज़ है यार। अप्रैल से लेके अब बारिश आने तक, मतलब चौमास का सीजन शुरू होने तक आसपास हमारे हमको ऐसे ही दिखाई देगा यार। मेरा काम है आपको जगह के बारे में बताना, मैंने इस जगह के बारे में आपको बताया। आप यहाँ पे आना चाहते हो तो भाई दिल खोल के आओ, जगह बहुत बढ़िया है। लेकिन तो आप लोग यहाँ पे आओ भाई, कभी भी आ सकते हो, जैसे हम अभी आ रखे अप्रैल के टाइम पे, आप अभी भी आ सकते हो। लेकिन अगर आप अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई, इन तीन महीनों में आते हो तो आपको वेदर कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ेगा जैसे मैंने आपको प्रीवियस शॉट में दिखाया था। तो अगर आपको यहाँ पे आना चाहिए तो आप बारिश के बाद यहाँ पे आ सकते हो, जून जुलाई के बाद यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा रहेगा। आपको हिमालयन व्यू सुबह के टाइम पे तो जरूर दिखाई देगा भाई। यहाँ से आपको हिमालयी व्यू दिखा दिए हैं, आप कुछ फोटोज लेते हैं और बढ़िया से सिनेमैटिक शॉट लेते हैं, उसके बाद आगे आपसे मिलते हैं। उत्तराखंड में देवी देवताओं की बहुत मान्यता है गाइस। यहाँ देवताओं के साथ असुरों और दानवों की भी पूजा की जाती है। देवताओं की तरह उत्तराखंड में असुरों के भी कुछ पूजा स्थान मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है
असुरचूला पीक। असुरचूला के शिखर पे विराजमान बाबा असुर, जिनके बारे में कुछ कहानियां हैं जो इंटरनेट पे देखी जा सकती हैं या फिर लोगों की जुबानी सुनी जा सकती हैं। मुख्यतः तीन कहानियां हैं जो असुर बाबा को लेकर बताई जाती हैं। एक कहानी के अनुसार पहले सोर घाटी का पूरा एरिया एक बड़ा पानी का तालाब हुआ करता था और तालाब के चारों ओर घना जंगल था। असुर देवता यहाँ आए और यहाँ आकर ऋषि मुनियों का तप करके असुर योनि से मुक्त हुए और देवता रूप में पूजे जाने लगे, क्योंकि असुर होते हुए भी उनके कर्म अच्छे रहे थे, तब से इन्हें देवता के रूप में पूजा जाने लगा। दूसरी कहानी के अनुसार असुर बाबा को एक असुर कन्या और इंद्रदेव का पुत्र बताया गया है। बड़े होकर असुर बाबा जब इंद्र के पास अपना अधिकार मांगने गए तो इंद्र ने मानने से इनकार कर दिया। बार बार मजबूर किए जाने के बाद जब इंद्रदेव ने जैसे ही अपने वज्र से असुर पर प्रहार किया तो वज्र असुर के पास जाकर बिना असुर बाबा को नुकसान पहुंचाए इंद्रदेव के पास वापस लौट गया। तब जाकर असुर को इंद्रदेव ने अपना पुत्र माना और इस क्षेत्र का आधिपत्य दे दिया। तीसरी कहानी के अनुसार असुर बाबा को छिपलाकोट की राजकुमारी भाग्यश्री और मलयनाथ देव का पुत्र माना जाते हैं। माना जाता है कि राजकुमारी के रूप पर मोहित होकर मलयनाथ जी राजकुमारी को अपनी तंत्र विद्या के जोर पर सिराकोट ले आए। उन्होंने राजकुमारी भाग्यश्री को अपनी रानी बना लिया और अपने पुत्र का नाम असुर रखकर उसे दक्षिणी भाग का अधिपति बना दिया। तो ऐसी कुछ दो तीन कहानियां हैं गाइस जो असुर बाबा को लेकर बोली जाती है। अब किसी कहानी के पुख्ता प्रमाण तो नहीं है गाइस, पर लोगों की जुबान पर अक्सर ये तीन कहानियां सुनने को मिलती हैं। अपने पीछे असुर बाबा जी का मंदिर और इस वक्त मैं असुर चूला में। भाई बहुत शानदार जगह रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ। यहाँ पे आए भाई, यहाँ पे हमने एक रात पूरा इंजॉय किया। यहाँ से हमको जो पिथौरागढ़ का नजारा दिखाई दिया वो बहुत शानदार था। पीछे यहाँ से हिमालय रेंज बहुत शानदार होती, पर यहाँ पे धुंध होने के कारण हमको हिमालय रेंज नहीं दिखाई दी। लेकिन भाई मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप इस जगह पे आना चाहते हो तो आप ज़रूर आइए भाई। ये जगह मस्ट आने लायक जगह है यार। इस जगह पे आके आपको पिथौरागढ़ का जो नज़ारा दिखेगा ना, ये नज़ारा भाई मैंने पिथौरागढ़ का आज तक नहीं देखा। जितना फैला यहाँ से पिथौरागढ़ दिखाई दे रहा है भाई, चंडाक से कुछ एरिया पहाड़ों के कारण कवर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से हमारे सामने पे कोई पहाड़ नहीं है। तो यहाँ से पिथौरागढ़ का नज़ारा ये देखे भाई, वाकई में अद्भुत है यार। तो यहाँ पे हमारा आना एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। फिर से कभी आना होगा इस मंदिर में यार। अगर आप लोगों को यहाँ पे आने का मन करते हैं तो कैसे यहाँ पे आना है वो एक बार आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप आते हो तो हम नीचे से सब कुछ लेके आए थे, दो जार में पानी और साथ में खाना लेके आए थे। तो खाना और पानी आप अपने साथ लेके आइए, रहने के लिए यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है और बाकी जगह बहुत शानदार है भाई। तो अब यहाँ से नीचे चलते हैं, फिर एक शानदार वॉइस ओवर के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एक रात असुरचूला पीक के टॉप पे गुजारने के बाद अब समय हो गया था अपने अपने घरों को वापस लौटने का। असुरचूला पीक पे आना और एक रात यहाँ कैंप लगाकर रुकना वाकई में एक अद्भुत अनुभव था गाइस। असुरचूला की पहाड़ी में बिताए गए उन यादगार पलों को याद करते हुए हम लोग पीक से नीचे की ओर लौट गए। कुछ सारी बातें थी जो असुर बाबा को लेकर दिमाग में घूम रही थी कि किस तरह एक असुर होते हुए भी कर्मों के कारण उनको देवता रूप में आज भी पूजा जाते हैं। आज के इस सफर का यही निष्कर्ष निकलता है गाइस कि कोई भी इंसान अपने कर्मों से ही ऊपर उठते हैं। कहानी के अनुसार असुर बाबा के कर्म ऐसे थे कि लोगों द्वारा उन्हें देवता रूप में पूजा जाने लगा। असुरचूला पीक और अपने साथियों को अलविदा कहकर हम लोग पिथौरागढ़ छोड़कर अपने घरों की ओर बढ़ चले। ढलते हुए सूरज के साथ ये सफर भी यही खत्म होने जा रहा था। होप करता हूँ गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना गाइस। तो बहुत जल्द मिलता हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।